योगा प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपका मन, आत्मा और शरीर एक ही लय में हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। वी विल स्टार्ट विथ अनुलोम विलोम। आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेकर राइट नॉस्ट्रल से सांस निकालनी है, फिर राइट से इनहेल कर लेफ्ट से एक्सहेल करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। सूर्य नमस्कार। अब हम करते हैं ऊर्ध्व धनुष आसना। ये आपकी कमर के लिए, बैक के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको कभी भी बैक प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनको बैक प्रॉब्लम है वो प्लीज़ ये ट्राई ना करें। अगला आसन है अर्ध शीर्षासन, मेरी जानकारी के हिसाब से, जानकारी आगे पीछे भी हो सकती है। ये आसन मैं बचपन से करती आ रही हूँ। मम्मी ने मुझे जब भी 3 साल की उम्र में बोर्डिंग स्कूल में डाला था, क्योंकि वो एक्ट्रेस थी, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थी, और उनकी दिनचर्या और उनका जीवन बहुत ही व्यस्त रहता था। तो मेरा परिचय योगा से तब मेरे बोर्डिंग स्कूल में हुआ था, आर्य कन्या विद्यालय में। हमारे भ्राता जी हमको सिखाते थे। कमर की स्ट्रेच के लिए ये वाला आसन बहुत ही अच्छा है। आपकी लोअर बैक, आपकी बैक अच्छी तरीके से खुलेगी। और मैं जो अगले आसन आपको दिखाने जाने वाली हूँ, उसके लिए अपने बॉडी के सारे अंगों को अच्छी तरीके से खोलना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेच करने से आपके मसल्स को नेचुरल पावर मिलता है, नेचुरल स्ट्रेंथ मिलती है, और वो किसी भी व्यायाम के लिए, किसी भी एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ बटरफ्लाई। दिस स्ट्रेच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इट हेल्प्स यू टू ओपन अप योर इनर थाई एंड हेल्प्स यू सपोर्ट योर लोअर बैक ऑल्सो। Full stretch for a lower back. अगला आसन मैं आपको 3 combination में दिखाने वाली हूँ, अष्टांग योगा, विन्यासा और पावर योगा। मैंने मेरी जानकारी के हिसाब से जो मुझे आसन आते हैं उनका कॉम्बिनेशन करके ये एक 3-3.5 मिनट का फ्लो बनाया है आसन का, जिसके अंदर वॉरियर पोज, पिजन पोज, कंप्लीट स्ट्रेच। ये आसन आपके बॉडी के सारे मसल्स को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन करेंगे, ताकत देंगे, और एक ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे फ्लो में होगा। पर्वतासन, भुजंगासन,
ये सारे आसन हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। योगा वैसे भी हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए। आज योग दिवस है तो मैं आपसे ये दो बात कहना चाहूँगी कि योगा करने से हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों शांत रहते हैं और हम हमारे पूरे दिन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दिन के कम से कम 30 से 40 मिनट दिए हुए अपने शरीर को योगा के लिए और मेडिटेशन के लिए हमको अंदर से और बाहर से मजबूत बनाते हैं। तो ये रेगुलर प्रैक्टिसेस करना बहुत अच्छी बात है। आज वर्ल्ड योगा दिवस है, बहुत गर्व की बात है कि ये पूरे विश्व में मनाया जाता है और हर एक व्यक्ति इसे आज बड़ी शान से करेगा और अपने सारे सोशल मीडिया में शेयर करेगा। ये बहुत ही भारत के लिए घमंड की बात है, गर्व की बात है। आप भी अपनी प्रैक्टिसेस करें अपनी जानकारी के हिसाब से तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। Sitting in Vajrasana is the best after eating lunch or breakfast or anything. It helps you digest the food. This is the posture. You have to sit like this. I hope you enjoyed the session with me. Aaj World Yoga Day ke din maine teen combinations yoga kiye hai. Vinyasa, Ashtang Yoga aur kuch Power Yoga. आप ये प्रैक्टिसेस अपने घर पर थोड़ी जानकारी के साथ में कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो और आज सूर्य ग्रहण है। सूर्य देवता को प्रणाम और आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद।